बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज फिर हम सेनेट इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में मौजूदा सियासी मंजरनामे पर होने वाली तब्दीलियों पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं, जैसा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन और हुकूमती रवैयों में या हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनके बयानात खुल के आप सुन रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसा कोई तरीक़ाकार अपनाया जाए जिसकी वजह से वोट देने वाला जो है वो पोशीदा ना हो बल्कि वो खुल के उसका इजहार कर सके। जबकि अपोजिशन की जानिब से जो मुतालबा है वो ये है कि आइनी तरीक़ाकार जो मौजूद है उसी को फॉलो किया जाए, और चूँकि हुकूमती नुमाइंदगान जो है वो इस बात से डरे हुए हैं कि शायद पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो मुमकिन बगावत है उसके नतीजे में शायद उनको वोट ना मिल सके। ये बहरहाल अपोजिशन का कहना है, उनकी दलील है। क्या होना चाहिए, ऐसा क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए जो कि आइनी भी हो, जो कि आइन में ना सिर्फ इम्कान मौजूद हो बल्कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुत्तफिक हो सके, ऐसा कोई रास्ता मौजूद है या नहीं, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में जो हमने ज़हमत दी है, सीनियर तजियाकार हैं, आप वक्तन फ़ौक्तन हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनके तजिये तबसरे सुनते रहते हैं। किताब के मुसन्निफ भी हैं, दिफाई उमूर पर ख़ास कर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल हक़ शमसी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वक्तन फ़ौक्तन आप उनकी गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ अखबारात में लिखते भी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इनका लिखा हुआ बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे सीनियर राना रिजवान अरशद साहब मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच, आप मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, तीसरे मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम में बल्कि दीगर चैनल्स के प्रोग्राम में भी आप उनको सुनते रहते हैं, उनके तजिये तबसरे आपके सामने हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम चौधरी इम्तियाज़ वड़ाई साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लें। सर, आगाज़ आपसे करना चाहूँगा शमसी साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आप मौजूद थे और यही तजिया आपने दिया था कि जो तरीक़ाकार है वो ऐसा होना चाहिए ताकि करप्शन का रास्ता रोका जा सके, और जो ख़रीदो फरोख्त की जो मंडियां लग जाती हैं बदकिस्मती से हमारे सियासी मैदानों में, वो उसका रास्ता रोका जाए। अब सवाल ये है कि जब अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आती है कि ये मौजूदा जो टाइमिंग है ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि तरीके इंसाफ को लग रहा है कि इनको वोट नहीं मिलेगा, इनके अपने लोग जो है वो नाराज़ हैं, वो नाला हैं इनकी पॉलिसीज से, इनके रवैयों से, और इमरान खान साहब जो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को नवाजना चाहते हैं बकौल अपोजिशन के, तरीके साहब के अपने लोग दीरेना कारकुनान जो है, जो MPs हैं, मैनेजर, वो नहीं चाहते कि उनको, उन लोगों को नवाजा जाए। लिहाजा ये जो खौफ है, ये डर है, इसने मजबूर कर दिया इमरान खान साहब को। ये कहते हैं कि भाई ओपन बैलेट होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के थ्रू होना चाहिए, जो नज़र आए कि कौन किसको वोट दे रहा है। जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि अगर ऐसा है तो सेनेट जो चेयरमैन का इलेक्शन था वहाँ ये भी तरीक़ाकार अपनाया जाता, फिर वहाँ ये रवैया क्यों नहीं अपनाया गया। तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन की बात में वजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीफ साहब। बात यह है कि अपोजिशन सियासत कर रही है जी, हुकूमत सियासत कर रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। और किसी भी सियासी पार्टी का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो होता है इलेक्शन जीतना, किसी भी कीमत पे हो, किसी भी कीमत, ठीक है। क्यों सेनेट के इंतखाबात में हर 3 साल बाद ये मामला खड़ा होता है, आम इंतखाबात में क्यों नहीं होता? इल्जाम लगाए जाते हैं लेकिन खरीद फरोख्त इस तरह नहीं होती, वो तरीक़ाकार हो नहीं सकती ना, हो नहीं सकती। एग्जैक्टली, क्योंकि एक आम आदमी वोट दे रहा है और अपनी मर्जी से दे रहा है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 में वोट दे देगा। 2.5-3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ जगहों पे तो 3.5 लाख के भी वोटर्स हैं, ठीक है, वहां आप ये काम नहीं कर सकते, दुरुस्त। सेनेट में चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, नंबर ऑफ वोट्स बहुत कम है, ठीक है, इजिली आप अप्रूव कर सकते हैं, वोटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और सेनेट क्यों इतना अहम है इदारे के तौर पर, जो आइन की रूह से, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए तमाम प्रोविंसेस की, बिल्कुल, नुमाइंदगी तमाम सूबों को यकसा मिले, यकसा मिले। एग्जैक्टली, इसीलिए अनइवन वोटिंग है, जो बड़ा प्रोविंस है उसके ज्यादा मेंबर्स वोट देंगे तो एक सेनेटर इलेक्ट होगा, छोटे प्रोविंस हैं कम, उनके कम नंबर्स देंगे तो एक सेनेटर इलेक्ट होगा। तो ये जो लेन देन है
ये बड़े प्रोविंस में तो इतनी नहीं हो सकती, छोटे में हो सकती है, बिल्कुल, और होती रही है, बिल्कुल हमेशा से होती रही, माजी में भी, बिल्कुल इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, जहां तक अपोजिशन का ये इल्जाम है कि हुकूमत इस वक्त खौफजदा है कि कहीं उनके अपने लोग उसके अगेंस्ट ना हो जाएं, ठीक है, तो इस हुकूमत को या इस पार्टी को तो पहले ये तजर्बा हो चुका है, दुरुस्त, 20 बंदे इन्होंने निकाले भी थे, इज़न्ट इट। लेकिन सेनेट देखें क्यों इतनी अहम है। अभी अमेरिका में भी देखें आप कि साबिक सदर उनके जो ट्रंप हैं वो दूसरी दफा इम्पीच हो गए, जी दूसरी दफा इम्पीच हो गए, लेकिन किसने बचाया, सेनेट ने बचाया, एग्जैक्टली, वोट कम पड़ गए, बिल्कुल, इसलिए कि अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है चाहे सेनेट का हो चाहे हाउस का हो, उसे जाके अपनी आवाम को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जवाब देना पड़ता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि हमारा जो एक दफ़ा एमपीए या एमएनए इलेक्ट होकर हाउस में आ जाता है वो ये समझता है कि अगले 5 साल मैंने जवाब नहीं देना और मैं जिसे चाहे वोट दे दूँ, वरना जो डेमोक्रेसी जमहूरियत की जो जो खूबसूरती है वो यही है कि इख्तलाफात आप अपनी पार्टी में ज़रूर करें, लेकिन जब पार्टी की लीडरशिप एक फैसला कर ले तो उसको उभय करें। लेकिन सर अब जब पार्टी लीडरशिप अपने दोस्तों को नवाजने पर आए, ठीक है, क्योंकि एक इतराज़ किया जाता है पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठनी उठी हैं और हमने देखा है कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जो शायद या तो पार्टी में नए हैं या उनका पस मंज़र कारोबारी या पैसों वाला जो चीज़ हम कहते हैं वो है। लेकिन ये वाहिद पार्टी है जिसका टिकट वापस भी होता है, ठीक है, ये चीज हमने इलेक्शन से पहले भी देखी थी, दुरुस्त, बंदियाल साहब वाला वाकया याद होगा, जब वापस होता है तो इसका ये मतलब है कि गलत फैसले होते हैं, गलत फैसला हुआ, लेकिन खूबसूरती फैसले की ये है कि वो जो ही ये एहसास हुआ और वर्कर्स ने ये एहसास दिलाया कि जी आपका फैसला गलत है, उधर लीडरशिप अड़ के नहीं बैठ गई। ठीक, राणा साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सेनेट का जो तरीक़ाकार है किस तरह शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि अब देखें अब तो मेरे ख्याल में अनाओं का मसला भी हो बन चुका है तमाम पार्टियों का, अब तो सियासत से ज़्यादा अना का मसला बन चुका है, क्योंकि वो अगर हम पीडीएम के रहनुमाओं की गुफ्तगु सुने तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो बिल्कुल वाज है कि भाई जो भी हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही की वजह से मौजूदा हुकूमत जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि दूसरी जाने आप सुने तहरीक इंसाफ की जो मुशीर हजरात है जो उजरा है उनकी गुफ्तगु आप सुने बहुत तलख और बहुत बहुत एग्रेसिव अंदाज होता है, तो अब तो वो चीज़ मेरे ख्याल में सियासत से एक कदम आगे अना तक बात पहुँच चुकी है, तरीका कार क्या अपनाया जाए क्योंकि अवाम का इसमें नुकसान हो रहा है जो भी हो रहा है। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में बुलाया। देखें सियासत और अना की आपने बात की जी, इसके साथ आप एक चीज़ और ऐड कर लें, बिजनेस, उम्दा, दुरुस्त, ये सियासत और अना तो अपनी जगह पे है ही है, असल में तो ये एक बिजनेस है। एग्जैक्टली, और एक बंदा 80 करोड़ रुपया दे के आ रहा है सेंटर बनने जा रहा है, खिदमत के लिए थोड़ी आ रहा है वो, तो वो कारोबार करने आ रहा है और वो कारोबारी तबका जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के कारोबार हैं वो अपने कारोबारों को शेल्टर देने के लिए और अपने वो एक जो है मतलब अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए स्टेटस कि भाई मैं सेनेटर साहब आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी पे भी नंबर प्लेट सेंटर की लग जाती है, चुधरा भी शुरू हो जाती है, और ताहयात सेंटर होता है वो फिर रिटायर भी नहीं होता, रिटायर भी नहीं होता, तो उसमें अनिल भाई बात ये है कि ये है कारोबार जी, और कारोबार जो है ना वो पैसा लगाएंगे तो पैसा वापस आएगा ना जी, तो बदकिस्मती इस मुल्क और कौम की ये है। अच्छा, कारोबार क्यों मना, मैं चाहूंगा इस पर आप तफसीली जवाब दें, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक का इशारा किया गया है और ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे, नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में शामिल हैं ज़ियाउल हक़ शमसी साहब, राना रिजवान अरशद साहब और चौधरी इम्तियाज़ बड़ाई साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। राना साहब, आप बता रहे थे कि ये अब सियासत से ज़्यादा कारोबार का मसला बन चुका है। तो क्या तमाम तो ऐसे नहीं होंगे ना? मेरे ख्याल में कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बाकी सेनेट की हद तक, जहां तक बात है ना जी, सेनेट की हद तक जो बदकिस्मती से ऐसे नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, हमारी बदकिस्मती होना नहीं चाहिए था, लेकिन है। चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत है। क्या हकीकत है? अब इससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। अब तो वीडियोज भी आ गई, प्रूफ है वो सारा। और देखें, प्राइम मिनिस्टर आपका कह रहा है, आपका वजीर आजम कह रहा है कि जी हाँ बिल्कुल ये हो रहा है, ये होता है। और आप देखें ना, 80 करोड़ रुपया और 1 अरब पर जो है वो बात पहुंच चुकी है। दुरुस्त दुरुस्त। तो बात यह है कि अब ये किसने रोकना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। और हम, आपका और मेरा जो काम है वो हम तो हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये टॉक शो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि ये चीजें ना हो, इस पे जो है ये जो बंदर बांट हो रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात की गई बड़ी अहम है कि अगर जिस पार्टी की जितनी सीटें बनती हैं अगर वो ना मिली तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बस समझ में आने वाली मेरे ख्याल में। आप एक और बात देख लेना, अब हम कहते हैं कि ये फवाद चौधरी का आपने बयान सुना है? फवाद चौधरी बार बार ये कह रहा है, बार बार अपनी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जी देखें, बात ये है कि सेनेट का जो वोट है वो कोई भी बंदा किसी को भी दे सकता है। तो आप अपनी पार्टी से देखें, ये क्या, इसके बैकग्राउंड क्या है? मतलब अगर एक बंदा सेनेट के सेंटर को वोट दे रहा है तो वो पीटीआई वाला है, वो काफ लीग वाले को दे दे या वो पीपल्स पार्टी वाले को दे दे, वो उस पर कोई ऐसी वो चीज नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? आनी चाहिए। पुख्तनख्वा में हुआ बाप और तरीके इंसाफ का एलायंस बन गया और वो एक दूसरे को वोट देंगे। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना कि अगर जो है जिसकी जितनी सीटें बनती हैं अगर वो नहीं मिली तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा, तो ये जो बात है आप समझते हैं कि इसमें वजन है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट तो फिर नहीं, यही बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो फिर कोई गलत है ही नहीं। अब अगर कोई ये कहे कि भाई मैं तरीके इंसाफ का MP MNA हूँ लेकिन मैं तरीके इंसाफ के टिकट होल्डर को वोट नहीं दे रहा क्योंकि मुझे इस फलाम पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ है, तो वो तो दुरुस्त हुआ। अच्छा, यूसुफ ज़ा गिलानी साहब जो यूसुफ ज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि जनाब ये जो है जाती असव रसूख होता है, ये अपने जाती ताल्लुकात होते हैं उस पे आपको जो है वो लोग कहीं से भी कोई उठ के आके, तो ये जो फवाद चौधरी का बयान, ये यूसुफ ज़ा गिलानी साहब का बयान, इसके पीछे एक मंतक है। सिंपल है नहीं, सिंपल है नहीं। यस सर, तो ये मैं PTI का हूँ, ठीक है, मैं अगर PTI के किसी शख्स को वोट नहीं देता क्योंकि मुझे, मैं समझता हूं कि उसको जो टिकट दिया गया है वो डिजर्व नहीं करता और मैं उसको वोट नहीं करता, तो फिर तो मैं हक बचा नहीं बोना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा। आपने देखा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार सेनेट जो है इंट्रोड्यूस की गई और इसके पीछे फिलासफी वही जैसे शमसी साहब ने फरमाया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पर्पस तमाम सूबों को, ताकि उसके अंदर कुछ छोटे सूबे हैं, कुछ बड़े सूबे हैं, तो उनकी जो डेप्रिवेशन थी ना, बिल्कुल बिल्कुल, महरूमियाँ थी, एहसास महरूमी ना हो, वो खत्म हो जाए और उसमें जो सेनेट अपना एक रोल प्ले करे, अपर हाउस है, जब नेशनल असेंबली से कोई चीज़ जाती है बिल आखिर वहीं फाइनल के बाद जाए, फिर उसके ऊपर वो डिबेट करें और उसके बाद उसको वापस भेजें अगर उसके अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब फिलासफी तो बड़ी अच्छी है लेकिन आप देखिए कि जब से ये सेनेट बना है, मेरे ख्याल पहले सेनेट को छोड़ दे जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उस वक्त आपको पता लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, उस वक्त इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अब से हम जो पिछले चंद सालों से देख रहे हैं, जितने भी इलेक्शन हुए उसमें हमेशा ये शोर पड़ा है, हमेशा उसके अंदर पैसे चले, दुरुस्त, हमेशा उसके अंदर करप्शन हुई है, दुरुस्त। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, IMF के कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, फिर सेनेट हमने क्यों बनाया? मुझे बताएं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट सेनेट? एक बंदा जो करप्ट बंदा होगा, जो पैसे खर्च करके जाएगा सेनेट के अंदर, क्या वो अपने सूबे की रिप्रेजेंटेशन करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, रिकवरी करेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताइए कि ये जो इतना खर्चा किया जाता है, सेनेट का एक सेक्रेटरीएट होता है, उसका एक फेडरल सेक्रेटरी बैठाया होता है, फिर नीचे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, फिर सेक्शन अफसर हैं, फिर गाड़ियां हैं, फिर TADA मिल रहे हैं सेनेट को, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, ह्यूज एक एक्सपेंस है जिसका फायदा ही कोई नहीं है। मुझे नहीं याद पड़ता, शायद मेरे बाकी साथियों को याद को होगा कि सेनेट को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो टू रिप्रेजेंट देयर प्रोविंस, उसके लिए कोई स्टैंड लिया हो या अवामी मुफाद में कोई ऐसी चीज। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। देखिए बात ये, अगर तो कराना इलेक्शन, तो इलेक्शन अगर किसी पार्टी के MPA ने या MNA ने अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है, मजबूर है वो, तो फिर इलेक्शन तो ना हो।
इलेक्शन का मतलब यही है बिल्कुल कि आप अपनी मर्जी का वोट दें, आप उसको चॉइस देते हैं। हाँ अलबत्ता ये जरूर है क्योंकि पिछले कल बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां उनसे पूछा गया, जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने पूछा कि जी क्या आपने अरेंजमेंट किए ट्रांसपेरेंसी के। अच्छा वो बताते रहे जो भी व्हाटएवर ही कुड टेल, लेकिन जाहिर बात है कोई ऐसे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो नहीं दे सकते बिल्कुल, ना ही वो कर सकते हैं। अच्छा इसमें होता भी है कि आप पकड़ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है ना। एक बंदा रिसीविंग एंड पे है, ही इज गेटिंग मनी एग्जैक्टली, एक बंदा उसके बदले में वोट ले रहा है, ही इज ऑल्सो गेटिंग अपना बेनिफिट जो भी है उसको ले रहा है। अब दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी है नहीं है, दोनों के मुफाद में है, एक देने वाले के मुफाद में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आपकी जानिब जरूर आएंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सिद्दीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, गलबन उनसे राबता हमारा हो नहीं रहा। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब इसमें यह है कि मेरा मकसद कहने का है कि इसको एक तरीका किया जा सकता है, जो मेरे यानी बीइंग लॉयर में अगर मैं कह सकता हूं कि लिस्ट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, इलेक्शन ना करवाएं फिर आप, ठीक है ना। उसमें जितनी जितनी पार्टियों की जितनी वहां पर मेंबरशिप है डायरेक्टली दे दे उनको उतनी सीटों के उनकी आप लिस्ट के मुताबिक व्हाट एवर लिस्ट जो देंगे अपने बंदों की कैंडिडेट्स की उनको आप सेंटर अपना नॉमिनेट अपॉइंट कर दें, नोटिफाई कर दें चीफ इलेक्शन कमीशन। जैसे स्पेशल सीट्स होती है लेडीज की वो भी तो लिस्ट सिस्टम है ना। तो अगर सूबों की रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि ये रिव्यू करें कि सेनेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा हाँ मैं तो इस हद तक जा रही हूं। फिर सुबह सर अगर देखिए ये करप्शन की वजह से बात यहां तक पहुंची, इम्तियाज वड़ाई साहब जैसे सीनियर तजियाकार ये कह रहे हैं कि इसकी शायद जरूरत ही नहीं है, तो ये जो मामला है ये इस हद। सिद्दीक अल फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। सर ये फरमाइएगा कि क्या किया जाए सीनेट के इंतखाबात के हवाले से ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि अब तो ये बात हर जगह वाजे हो चुकी है कि वाकईतन लोग बिकते हैं, लोग खरीदे जाते हैं, पैसा चलता है। क्या किया जाना चाहिए ताकि इत्मीनान भी हो आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस का, और आइन के मुताबिक जो हो ऐसा कोई काम हो जिसकी वजह से ये तो खरीद फरोख्त का सिलसिला बंद हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं आप सर्च करूंगा कि वो जो वीडियो अभी चलाई है तहरीके इंसाफ वालों ने जी, ये इसके बारे में इमरान खान साहब ने जी पौने तीन साल पहले भी फरमाया था कि ये वीडियो मेरे पास है और लोग नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने 20 एमपीएस के नाम लिए थे। तो कानून के मुताबिक जब ये बात सामने आ गई थी तो उन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती थी और 3 साल कैद भी उन्हें मिल सकती थी। अगर उस वक्त इमरान खान साहब ये केस अदालत में ले जाते और उन लोगों को सजा हो जाती तो ये वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म हो जाती। अच्छा तो आप जिम्मेदार इमरान खान साहब को समझते हैं जी? आप जिम्मेदार इमरान खान साहब को समझते हैं मौजूदा ये जो जितनी भी कंफ्यूजन है? जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास मौजूद है सबूत, अभी वो ये कहते हैं कि जी वो वीडियो तो उनके पास है लेकिन वो मुझे उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते अपनी ही कमेटी कि वो दिखा सकते हैं। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सजा नहीं दी बल्कि उनमें से एक को वजीर कानून बना दिया, 4 को फिर मिन्नतें तरले करके वापस ले आए। अब आईन में तरमीम करने के बगैर ये कुछ और अरेंजमेंट करना चाहते हैं जी। अगर इनके लोग इनकी पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं तो बगावत के जो असबाब हैं उन्हें दूर करें। दुरुस्त ठीक है। आईन में तरमीम के बगैर शो ऑफ हैंड्स के जरिए या सीक्रेसी को कंप्रोमाइज करके ये मामला हो नहीं सकता, आईन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। तो आईन पर अमल दरामद होना चाहिए और उन लोगों को आप भी उनका केस ले जाएं और उनको सजा दें। अरे सिंह साहब आप लाइन पर रहिएगा। शमसी साहब आप बताएं कि आप ही समझते हैं वाकईतन अगर इमरान खान साहब 3 साल पहले 2.5 साल पहले ये वीडियो की बुनियाद पर कोई एक्शन लेते तो शायद अभी जो ये सारी कन्फ्यूजन है हमारे सामने नहीं होती। आप समझते हैं कि वाकईतन इमरान खान वाकई जिम्मेदार है जिस तरह सिद्दीक फारूक साहब ने कहा? नहीं सिद्दीक साहब तो जाहिर है PMLN के
लीडर हैं, नामी गिरामी लीडर हैं, तो वो तो इल्जाम लगाएंगे। लेकिन खान साहब बहुत साफ साफ, खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बेटी मौजूद है, शमी साहब ने इल्जाम है, खान साहब ने, उन्होंने कहा था मेरे पास मौजूद है। खान साहब, खान साहब बहुत क्लियर कह चुके हैं कि ये वीडियो उन्होंने नहीं देखी थी। लेकिन पहले कहा था कि मैंने देखी है? नहीं। अच्छा, उन्होंने कभी ये नहीं क्लेम किया कि उन्होंने देखी है, वीडियो है ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा था हमारे पास एविडेंस है, ठीक, और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई भी की थी अपनी 20 MPS की, ठीक है। ये वीडियो अभी सरफेस हुई है और ये कमेटी काम कर रही है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, जो बात सर ने की थी बिल्कुल सही की थी कारोबार वाली, मैं उस पर मिसाल देना चाहता हूँ। असद उमर अगर जुबैर उमर को वोट देते हैं, जो कि उनकी पार्टी में नहीं है, तो ये समझ में आता है कि भाई भाई ने भाई को वोट दिया है और इसमें शायद पैसा नहीं चला, ठीक, ठीक है। लेकिन अगर असद उमर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देता है, ठीक है, तो फिर उंगली उठेगी कि यकीनन इसमें पैसा चला है। नहीं, अब अगर जो सेनेट में अगर असद उमर ये समझते हो कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनको वोट दूं, उनकी पॉलिसी से मैं मुत्तफिक हूं, फिर तो पैसे के बगैर भी तो वोट दिया जा सकता है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट उठा लिया, मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि फिर वो अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने ये बात कहेंगे कि जी यूसुफ रजा गिलानी जो है ये मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। पॉसिबल है आपके ख्याल में? नहीं है, नहीं है, लेकिन मिसाल दे रहा हूं कि जो पैसे चलने की बात हो रही है ना, जो कारोबार की, उसमें रान साहब ने जिस पैसे का जिक्र किया ना 70-80 करोड़ का, इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो उस मेंबर ने पार्टी को दिया है टिकट लेने के लिए। एग्जैक्टली, वो फंड के नाम पे, फंड के नाम पे। राणा साहब अलग है, वो अलग है। राणा साहब आप क्या समझते हैं, सिद्दीक़ फारूक साहब ने जो नुक्ता उठाया वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई देखिए अगर इमरान खान साहब के पास बिलफर्ज कोई सबूत थे उस जमाने में 2.5-3 साल पहले, अगर एक्शन लिया जाता उस वक्त, तो आज जो कन्फ्यूजन बनी है सुप्रीम कोर्ट भी बीच में और सिदारती ऑर्डिनेंस भी बीच में और बिल भी आपने पेश कर दिया, तो ये तमाम तर जितनी जहमतें लोग उठा रहे हैं ये ना उठाते फिर। यकीनन जी, बिल्कुल, जैसे 2.5 साल पहले की बात, वो मतलब अभी फारूक साहब ने भी कही, सिद्दीक़ साहब ने, बिल्कुल इस पर एक्शन, उस जो कमेटी अपना शम्स साहब कह रहे हैं कि आप बन चुके हैं, ये कमेटी उस वक्त बननी चाहिए थी, ये 2.5-3 साल पहले कमेटी बननी चाहिए थी। अगर उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं था, सुना था, या उनको किसी लेफ्ट राइट से उनके किसी वर्कर ने कहा था कि जी ये हैं हम आपको भेजते हैं भिजवा रहे हैं, तो कमेटी उस वक्त बननी चाहिए थी। और उस कमेटी को आज 2.5 सालों में, मतलब इस सेनेट के इलेक्शन से पहले कम से कम को फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि वो क्या फैसला करते, जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जब मतलब ये चीज़ कर रहे हैं, उनकी पार्टी ये चीज़ कर रही है, तो वो कैसे ये फैसला कर सकते थे कि आज वो खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, आज उन्होंने खरीदो फरोख्त इस सेनेट के इलेक्शन के लिए करनी थी, तो इसलिए उन्होंने ये पहले को कमेटी नहीं बनाई, पहले को ऐसा सिलसिला नहीं किया कि कल अगर कोई ऐसा हो जाता तो हमें कल टाइम आने पर हमने भी ये काम करना है। और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, और देखिए बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, इस हमारी कौम की ये है कि यहाँ पे अगेन मैं वही कहूँगा जैसे कि बिजनेस सर कारोबार है, कारोबार। देखिए सर, आपको टिकट क्यों नहीं मिलता, मुझे टिकट क्यों नहीं मिलता, शमसी साहब इतने सीनियर मोस्ट आदमी हैं, इनका इनकी एक मतलब बैकग्राउंड है, आम आदमी को टिकट क्यों नहीं देते सेंटर का। उससे बड़ी बात, मैंने आज से बहुत पहले जब ये इलेक्शन हो रहा था अपना 2018 में, तो उस वक्त मैं वो किसी टेलीविजन की लाइव नशरियात में बैठा था, मैंने उस वक्त मैंने ये बात की थी, मैंने कहा आज इमरान खान टिकट क्यों नहीं दे रहे अपने लोगों को जो 22 साल से इमरान खान के साथ हैं। मैं मुझे भी 26 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मैं भी इन 22-23 साल जो इमरान खान की तारीख है मैंने उसकी प्रेस हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, हर जगह पे इमरान खान साहब का हमने उनको साथ वो देखा है सुना है, जो उनके साथ डे फर्स्ट से लोग थे। मैं 75 लोगों को जानता हूं जिन लोगों को मतलब सफेदपोश लोग हैं, लेकिन कमिटेड हैं पार्टी, उनको टिकट से नहीं मिले थे उस वक्त। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि उस वक्त उनको नेशनल असेंबली के सूबाई असेंबलियों के टिकट नहीं मिले थे क्योंकि वो उनके वसाइल नहीं थे, वो करोड़पति अरबपति खरबपति नहीं थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यल भी है। आज इसी तरह सेनेट में भी उन लोगों को टिकट नहीं मिले। भाई साहब आप क्या समझते हैं, होना क्या चाहिए ताकि ये जो चैप्टर ये खत्म क्लोज हो जाए, कि भाई इम्कान ही खत्म हो जाए धांधली का, करप्शन का, खरीद फरोख्त का। मैं वही गुजारिश करने लगा था कि देखिए बात ये कि जैसे इनका बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो बड़ा गंदा ही बिजनेस है, ये कोई शक नहीं, इसके ऊपर सारी कौम शर्मिंदा है। एग्जैक्टली कि यहाँ पे अपर हाउस के जो नुमाइंदे बनते हैं
वो इस तरह से बन के आते हैं जो मिसाल बननी चाहिए हमारे जो मिसाल बननी चाहिए जिन्होंने आगे रूल करना है। बड़ी खूबसूरत बात की अपना राय साहब ने कि कौम शर्मिंदा है। बिल्कुल हमारी बदकिस्मती ये है कि सारी जिंदगी हमने शर्मिंदा होते रहना है, हमारे सियासतदान भी तो शर्मिंदा। अच्छा, अब उसमें उसमें ये है कि इससे जो बचने का जो मैंने पहले गुजारिश की अभी जी अभी फुल टाइम नहीं, क्योंकि हर बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफॉर्म करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे तरमीम करनी पड़ेगी, उस वक्त तक आप कर नहीं सकते। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये अदली लिहाज से अगर देखें तो इनके पास उतनी मेजोरिटी नहीं है। तो इसमें जो लिस्ट सिस्टम मैंने बताया ना, लिस्ट सिस्टम दैट इज द ओनली सोल्यूशन, कि जिसके अंदर फिर जाहिर बात है कि फिर इलेक्शन नहीं होगा बल्कि वो लिस्ट अपनी दे देंगे और लिस्ट की रोशनी में जितने जितने उनकी परसेंटेज है वहां पे सूबों के अंदर उतनी सीटें उनको मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आज हुई है ना, इशारा तन या तकरीबन सीकर फारूक साहब आज सुप्रीम कोर्ट के जो ये स्टेटमेंट के इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि अगर जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलनी है, जितने लोग मुंतखब होने हैं सेनेट के, अगर वो ना हुए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। इस बयान का आप समझते हैं कि जरूरत थी इस बयान की? ये मैं समझता हूँ कि ये बयान बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। फिर ये जमीर का वोट और वोट की सीक्रेसी कहाँ गई? आइन के जो आइन के फादर्स थे जिन्होंने ये आइन बनाया है, और दुनिया में जिस तरह होता है जहां जहां भी बाई कैमरल या दो ईवानी मुकर्रना है, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन होते हैं, क्या इस तरह नहीं होते? असल मामला तो ये सियासी अखलाक का है। और इसके साथ साथ अगर हम मुसलमान हैं, जो बिलखसूस मुसलमान हैं, क्या उनका दीन ईमान नहीं है? दूसरी बात मैं फिर अर्ज करूंगा, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं, आप बराए करम वो वीडियो इमरान खान की चलाएं। वो कहते हैं कि मैं वोट गिनते हुए लोग देखे जा सकते हैं, वो 20 के नाम लेते हैं, स्पीकर हाउस जो है उसमें ये सब बाजी होती है, मौजूदा वजीर दफा उस वक्त वजीर आला ये पैसे देता है, और अब बात है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हकाइक आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब एक वो बंदा जो कहता है कि मैंने करप्शन खत्म करनी है, मैं मामलात को ठीक करूंगा, वो उस करप्शन से इंसाफ होगा, करप्ट लोग सामने आ जाए वो उन्हें सजा नहीं दिलवाएगा, तो फिर और कोई कैसे ठीक करेगा? और आइन के खिलाफ फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट भी करेगी तो लोग उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि सिर्फ ये जो होने वाला इंतखाब है, सिर्फ ये जो है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना चाहिए आने वाले इंतखाबात, चूंकि आपकी पार्टी का भी मौकफ रहा है कि भाई तरीक़ाकार ऐसा अपनाया जाए ताकि खरीद व फरोख का सिलसिला बंद हो सके, शो ऑफ हैंड हो या ओपन बैलेट हो, जो भी आप उसे कह लें, तो आने वाले इंतखाबात के बारे में भी आप लोग यही राय है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे, या आप समझते हैं कि वाकईतन इस तरीक़ाकार को तब्दील होना चाहिए? अब दो चीजें हैं इसमें जी, जिन लोगों पर वोटों की खरीदो फरोख साबित हो जाए उनको सजा मिले मिले। नंबर दो, अगर आपको तरामीम करनी है आइन में तो फिर पूरा पैकेज लाइए। अच्छा। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट के जरिए ना हो, फिर सेनेटर्स का इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट के जरिए ना हो। ये क्या कि सेनेटर का जो है वो तो ओपन हैंड के जरिए हो, शो ऑफ हैंड के जरिए, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो है वो आप जो है सीक्रेट बैलेट के जरिए करें। इसके साथ फिर नैब के कवानीन में भी तरामीम करें, इसके साथ फिर इंतखाबात में जो तरामीम इलेक्शन कवानीन में होनी है वो भी लाएं, पूरा पैकेज लाएं, बैठें और माहौल पैदा करें, जिस तरह 18वीं तरमीम हुई ऐसा माहौल पैदा करके तरमीम कर लें। दुरुस्त, पूरा पैकेज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निकल फारूक साहब, उन्होंने बड़ी उमदा बात की कि देखिए पॉसिबल है, और मेरे ख्याल में ये करप्शन का रास्ता रोकने के लिए वाकईतन तरीक़ेकार का जो इंतखाब का जो तरीक़ेकार है उसमें तब्दील होना चाहिए, लेकिन वो माहौल तो पैदा करना है। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन को लेके चलना होता है, अपोजिशन को कन्विंस करना होता है, हुकूमती जो रवैया है शायद वो इतना अग्रेसिव है कि अपोजिशन जो जायज़ काम है जो होने चाहिए मुल्की मफाद में, तो उनके रवैये की वजह से शायद वो बैठने से रहे। सिद्दीक साहब ने जो कुछ फरमाया, क्या PMLN और PPP सेनेट के इस इलेक्शन से पहले ये नहीं कहते थे कि हाँ ओपन शो ऑफ होना चाहिए? एग्जैक्टली, ठीक है। अब इनकारी क्यों है? इसलिए कि PTI इसको लेकर आई, इजंट इट? अच्छा, दूसरी बात सर ने ये कही कि जिन लोगों पे ये साबित हो जाए कि उन्होंने पैसों का लेन देन किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ठीक। तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद
जो इनकी कमेटी ने बताया कि ये लोग हैं और सरदारे ने ऑन किया सरदारे साहब ने कहा कि ये मैंने किया है। क्यों नहीं एक्शन हुआ फिर? तो सर मैं आपसे पहले भी अर्ज की है, ये सियासत कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक एम इस वक्त क्या है, पूरी कौम ये चाहती है कि ये कारोबार बंद होना चाहिए, कारोबार बंद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है सर, तमाम लोग बंद होना चाहिए, एग्जैक्टली ये सही नुकता ये है, बिल्कुल। अगर इस वक्त की मौजूदा हुकूमत किसी भी तरीके से अवाम की ये ख्वाहिश पूरा करना चाहती है कि ये कारोबार बंद होना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो देखिए सर, ये हुकूमत अगर वाकईतन चाहती है तो सर, ये जो आपने देखा 2018 के इलेक्शन के बाद जहांगीर तरीन साहब जिस तरह MPAs को ले लेके फिर रहे थे अपने जहाज में, ठीक है, फिर जहांगीर तरीन साहब के बाद जो एपिसोड हुए या सेनेट चेयरमैन, देखिए इन्वॉल्व तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही के लोग थे ना, यही हुकूमत थी, तो हमसे मुराद अपोजिशन जमातें या आवाम कैसे ये बावर कर लें कि आप वाकईतन आपकी नीयत ठीक है और आप सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाकईतन चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप वो जहाजों में ले लें कि फिर ना लोगों को फिर रहे होते, आप सीनेट चेयरमैन के इलेक्शन में ना कर रहे होते सर, ये सवाल तोड़ते ना सर। नहीं सर, हनीफ साहब सर, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने के लिए जिस पार्टी को भी ये उम्मीद होती है कि उसके पास 8-10 नंबर कम है, और तो अगर सर, यही तो गेम है सर, नहीं 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 सर, फर्क है, इसमें फर्क है, वो 8-10 आजाद क्यों आ जाते हैं जो आजाद के साथ, आजाद के साथ जो बार्गेनिंग हो जाती है, मैं उधर ही आ रहा, आपके आईन ने आजाद इलेक्शन, आजाद मेंबरान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है ना, अब उन्होंने उनको आजाद रहने देना फिर विद इन 72 आवर्स, और उनको आजाद रहने देना फिर, आप उनको आजाद रहने दे सर, ये बात ये नुकता है सर, वो बेशक आजाद रहे ठीक है, लेकिन उन्होंने जाके किसी ना किसी को वोट तो डालना है, सही इजंट इट, ठीक, और दोनों पार्टियां ट्राई करती हैं। इल्जाम तो PTI पे उस वक्त लगे जब वो जाके PML के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएं और उनसे वोट खींचे। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा सर, प्लीज, इसमें मैं बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और इस मकरू जो कारोबार है, जो मकरू धंधा है, इसको कारोबार नहीं करेंगे, कुछ और कहना चाहते हैं, मतलब कारोबार बना लिया ना इसको, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें इस मकरू धंधे में जो है ना, बड़ी एक और मुझे बड़ी तकलीफ दे चीज है, वो ये है हनीफ भाई कि चलें, इम्तियाज भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने अपने, हर बंदे का अपना व्यू होता है, उन्होंने कहा जी वो सेनेट होनी नहीं चाहिए, चलो जी सेनेट है। भाई मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि आप सेनेटर को वफाकी वजीर क्यों बनाते हैं? एक बंदा इलेक्ट होके आया है हल्के से, वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट लेके आ रहा है, लोगों में रहा है, लोगों में किए हैं, यस, कभी खुशी में किया है, बिल्कुल। आप सेनेटर, सेनेटर को आप जब देखिए, ये चार क्यों ये इसका रेट बढ़ रहा है, 80 करोड़, और पता नहीं उससे भी अगले इलेक्शन में पता नहीं डेढ़ अरब में, यस बिल्कुल, अरबों में। तो आप एक सेनेटर को वफाकी वजीर बना देते हैं, इसीलिए ये लोग आते हैं कि भाई हम तो पहले सेंटर बनेंगे और सेंटर के बाद फिर वफाकी वजीर बनेंगे, और वो रिकवरी जो है ना, वो मतलब सूद समेत जो है वो सारी वापसी एक साल में हो जाएगी, फिर 4 साल कमाते रहेंगे, अगले 5 साल जो है वो मौजे में चलेगा। तो सर इसके लिए जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है, कोई ऐसा सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के उस पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। और इससे बड़ी इखलाकी तौर पे मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे बड़े मोहतरम हैं सदीकुल फारूक साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बाकी सियासी पार्टियां जो हैं इनको खुद इस चीज़ को जो है ख़त्म करना चाहिए, इनको इखलाकी तौर पर इनको चाहिए कि exactly. इस चीज़ को इसको रोका जाए। भाई साहब आप जवाब, तब जाके ये चीज़ रुकेगी। ठीक, आपसे ज़रूर आपके सामने एक सवाल रखूंगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी जानिब आना चाहूंगा। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इम्तियाज बड़ाई साहब, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जिन लोगों को टिकट दिए गए, शमी साहब ने तो आगाज़ में कहा कि बड़ी अच्छी रवायत है कि
जब प्रेशर आया, जब अवामी राय जो सामने आई तो एहतराम किया गया और फैसले जो बदल लिए गए, यकीनन अच्छी बात है। क्या वजह है कि फैसल वावड़ा जैसे लोग जो जो ऑलरेडी एम एन ए हैं, वफाकी वजीर हैं, वफाकी वजारत के होते हुए, एम एन ए के होते हुए आप सेनेट का टिकट भी उनको देते हैं, तो आप समझते हैं कि पी टी आई की जानिब से ये कह देना कि जी सीनियर है और इसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं लिहाजा हमने ये टिकट इसलिए इशू किया है, आप समझते हैं ये दलील जो है काफ़ी है और पी टी आई का वर्कर जो है इस दलील को आप समझते हैं कि एब्जॉर्ब कर पाएगा? देखिए बात बड़ी सिंपल है कि जैसे पहले बात हुई थी ना कि जो विजनरी लीडरशिप थी इनके साथ या वर्कर्स थे इनके साथ जो इस विजन के साथ आए थे, जो इमरान खान साहब ने आज से 22 साल पहले वो जिसको लेके सियासत में आए जी, वो सारे पीछे हट गए। आपके सब नहीं है, हामिद खान को देखिए पीछे बैठा हुआ है, कितना सीनियर उनका लीडर है। इस तरह देर सो मैनी जिनका हम नाम ले सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये मुझे, मैं अब नाम नहीं लूँगा, एक इस वक्त सिटिंग वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, खातून हैं, सही ये मैं कह देता हूँ। उनसे मैंने पूछा कि ये क्या हो क्या रहा है भाई, ये कौन कौन वजीर बन रहे हैं, किसका बन रहे हैं? उसने कहा जी अराउंड वल्चर्स हैं, वल्चर्स ये उसके वर्ड्स हैं, उसने कहा वल्चर्स ने घेरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि फिर तब्दीली कहाँ आ गई? यही तब्दीली का नारा लेके आए थे ना, थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, नवाज लीग की हुकूमत में, और इनमें फर्क क्या रहा? अगर उसी तरह अगर आपने शक्ल देके उनको टिकट देना है, अब फैसल वाडा वाला मामला अगर देख लें तो ये देखकर कानून के साथ खेलने वाली बात है ना। एक उसके खिलाफ केस चल रहा है डुअल नेशनलिटी का, अब वो चूंकि राइपअप होने वाला है केस, उसका फैसला होने वाला है, उससे पहले उसको चेंज करके सेंटर बनवा देंगे, वो केस इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नए से फिर रश होगा, उतनी देर में मजीद जो 2.5 साल रहे वो गुजर जाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि इमरान खान साहब से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते। इमरान खान साहब के बारे में मेरा ख्याल ये है कि वो स्टेट चलने वाले लोग थे और हैं, तो उनको अपना जो इमेज है, जो पहले यू टर्न का एक लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, ये यू टर्न नहीं है ना। देखिए पहले आप अगर मेच्योर फैसले करेंगे तो बाद में आपको फैसले तब्दील नहीं करने पड़ेंगे। अगर पहले आप शेकी फैसले करेंगे और उसके बाद जब कोई पॉइंट आउट करेगा, यानी इसका मतलब ये कि पहले हम बेवकूफ बना रहे लोगों को, जब कोई बोलेगा तो उसके बाद फिर अपना फैसला बदलेंगे आप कि ये इनको पता चल गया यार, फिर शोर मच गया, तो ये क्रेडिबिलिटी खराब होती है। कोई भी एक शख्स जो होता है, बाद आपने देखा कि डिसीजन मेकिंग जो होती है ये सबसे अहम चीज है। इसके बारे में जरूरी नहीं कि हर डिसीजन सही हो, लेकिन कहते डिसीजन लेना चाहिए और जब डिसीजन ले ले उस पर स्टैंड ले। हाँ को बहुत बड़ी बात, उससे आप उसको रिव्यू कर ले आप। अच्छा ये तो रिव्यू आपने कर लिया, चलो अब सुबह पंजाब की बात में थोड़ी सी उधर ले जाता हूँ कि अब बुज़दार साहब जो हैं उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में पिछले 2.5 साल से सारी दुनिया पीट रही है, इनकी अपनी पार्टी के लोग पीट रहे हैं। अच्छा वहां तो रिव्यू नहीं किया जा रहा फैसला, वहां तो नहीं देखा जा रहा कि जी इसको देख ले, को और बंदे भी हैं और पीटीआई के और लोग भी मौजूद हैं, किसी को ले ले, किसी को उठा ले, सिर्फ बुज़दार साहब ही रह गए, एक आखिरी बंदा शरीफ बंदे तो है ना सर। ये इम्तियाज भाई ने बात की बुज़दार साहब की, बुज़दार शरीफ आदमी, शरीफ आदमी तो उनको खतीब बना दे, उनको एक मस्जिद दे दे, एक मदरसा दे दे, वहां पे तालीम ले, ठीक है ना। अब हुकूमत चलानी है आपने, वहां एग्जीक्यूटिव चलानी है आपने, पूरा सबसे बड़ा सूबा पंजाब। आप इमरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपकी बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा रफीउल्लाह साहब मौजूद है, उनसे 5 मिनट जरूर कर लेते हैं, फिर आप जरूर करेंगे बात, आगे जरूर बढ़ाई जाएगी। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आगा साहब, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। रफीउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि क्या किया जाए ताकि ये सेनेट इंतखाबात में जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला खत्म हो जाए। वीडियो भी सामने आ चुकी है और आप लोग भी यकीनन चाहेंगे कि ऐसा कोई तरीक़ाकार अपनाया जाए ताकि लोग जो है वो खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद हो सके, तो क्या किया जाए? अब अगर तरीके इंसाफ वाले अगर ये कहते हैं कि खुल के वोट देना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, तो आप नहीं समझते कि वाकईतन वक्त आ गया है कि हम जो है इस तमाम तर इंतखाबी अमल को जो है ये इसको रिव्यू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये तो हमने मिसा के जमहूरियत में हमारी ये शेख थी और ये हम चाह रहे थे, हम चाहते थे और हम चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये हो। लेकिन जब आपने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, जब आपने सिर्फ अपने आपकी नीयत ऐसी कुछ ना हो और आपने सिर्फ और सिर्फ जिस बैसाखियों के ऊपर आए उस बैसाखी को तोड़ने की आप बात कर रहे हो, इसका मकसद ये कि आपकी नीयत ऐसी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये सिम ना किसी में सिंसियर है ना ये करना चाहती है, क्योंकि ये खुद आए ही इस अंदाज में, इस तरीके से, इसी खरीदो फरोख के चक्कर में, इस किसका जहाज चुम रहा था, किसकी हुकूमत बन रही थी, किस तरीके से ये वजूद में आए। इसलिए
ये बातें गवर्नमेंट के साथ करना तो फजूल है। हाँ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक बेहतर असेंबली आएगी और वो इंशाल्लाह ये सारे कानून साजी करेगी जिससे इंशाल्लाह इलेक्शन रिफॉर्म्स आएंगे और ये खरीदो फरोख्त और ये सियासत और जमहूरियत के ऊपर जो ये आ गई है इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल लोग ही दोएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर जिस पार्टी की जितनी नुमाइंदगी है अगर उतने सीट उनको ना मिले सेनेट इंतखाब में तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा, ये जो बयान है आप समझते हैं किस हद तक दुरुस्त है? देखिए ये तो हमने ये जब अभी ये बातचीत ये जब ये लोग ये सारा टोपी ड्रामा कर रहे थे हमने इनसे कहा कि अगर आपने बहुत ज्यादा आपको वाकई में वो है तो आप कम से कम ये वाली बात करें ना, जिस तरह मखसूस नशितों पे खवातीन जो है वो तादाद की बुनियाद पर हर पार्टी की अपनी अपनी इस तरह सेलेक्ट कर फिर कर ले। लेकिन बात ये है कि इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, क्या हम कानून और आइन को मुकद्दस जान रहे हैं, क्या हम इस मुकद्दस ऐवान को वो अहमियत दे रहे हैं जो होने चाहिए। हमारी जंग और हमारी जो तकलीफ है वो ये नहीं है इस टाइम के असेंबली में आप देखें किस तरीके से ये कार्रवाई चला रहे थे, यहाँ पर इशू ये है कि इन लोगों ने ये फील देना है कि यार ये पार्लियामेंट ना भी हो तो ये मुल्क चल रहा है, पार्लियामेंट ना भी हो तो ये सारा सिस्टम चल सकता है, जो ये प्रूव करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, जो कुछ हो वो आइन के मुताबिक हो। अगर हम समझते हैं कि आइन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं है, उसके लिए ये असेंबली ये हाउस किस लिए बना है? ये लोगों लोग हमें सेवरेज और पानी और बिजली के लिए नहीं मुंतखब करते हैं कि हमारी सेवरेज लाइन ये है, वो इसीलिए हमें मुंतखब करते हैं कि हमने कानून साजी करनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे लोग आ जाते हैं कभी किस शिकल में कभी किस शिकल में, तो वो फिर आइन और पार्लियामेंट का और दुरुस्त। आगा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। समझे साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आपने बात की कि यकीनन अगर वो ऐसा कोई डिसीजन जो आप समझते हैं कि अवामी जो दबाव था उसके बाद तब्दील किया गया तो अच्छी बात है, वाकई होना चाहिए, लेकिन ये फैसल वाडा साहब वाले मामले में आप नहीं समझते हैं कि तरीके इंसाफ वाकई साइड ले रही है और एक शख्स जिस पर ऑलरेडी केस चल रहा है डुअल नेशनलिटी का और ऑलरेडी वो MNA हैं, आपकी पार्टी में इतने लोग हैं इतने दिन कारकुनान हैं, दे देते किसी और को टिकट? सही है, मैं इस पर पार्टी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूँगा दुरुस्त, क्योंकि ये मुनासिब अमल नहीं है, तरीक़ेकार गलत है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। अगर ऐसा था तो फिर फैसल वाडा को कोई 3 महीने या 6 महीने पहले जब वो उसका केस मेच्योर हो रहा था उस वक्त रिजाइन करना चाहिए था, ठीक है, जो हमेशा से आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब उन्होंने देखा कि ये केस शायद मेरे अगेंस्ट चला जाए तो ये राह निकाली उन्होंने, और ये टोटल सियासत है, गलत नहीं होना चाहिए, ये टोटल सियासत है, ठीक है, सियासत और तरीका सियासत जो है ना, नेगेटिव सियासत है, सियासत तो अच्छी चीज है लेकिन ये नेगेटिव सियासत, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, तरीकेकार गलत है, ठीक है। जब उस पर ये केस हुआ था अपने आप को डिफेंड करने या केस को डिले करने की बजाय उनको रिजाइन करना चाहिए था, ठीक है, और उस क्योंकि असल इशू उनका सिर्फ ये है कि उनका जो सर्टिफिकेट है जब इलेक्शन हुआ उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था टाइम का इशू। आप ये समझते हैं कि जो कल ज़मीनी इलेक्शन में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शिकस्त हुई है तकरीबन हर जगह, तो आप समझते हैं क्या ये वो फैसले थे जिसकी वजह से इनको शिकस्त हुई या कोई और आप मुहरका समझते हैं? नहीं, वो बाई इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उसकी मैकेनिक्स डिफरेंट है, दुरुस्त, ठीक है, तो उसको हम इन फैसलों से नहीं अटैच कर सकते बिकॉज एक कॉमन आदमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि फैसल वाडा को टिकट मिला है कि नहीं मिला। तरीके साहब का वर्कर जब ये देखता है कि फैसल वाडा को ही क्यों टिकट मिल रहा है, किसी और क्यों नहीं मिला, तो वो तो सारी बातें सेट है ना जी, सेट है नहीं, मैं फैसल वाडा भी सेट है ना, सेट तो चले अपनी जगह है लेकिन वर्कर तो है पीपल्स पार्टी सॉरी PTI का, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि ये गलत तरीके से सही गलत है। मैं इसमें ऐड करता हूं सर, देखें बात ये है कि जैसे वो अपने ज़मीनी इंतखाबात की बात की, एक्चुअली ये सूबों में अब गवर्नमेंट्स लाइक सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, तो लेकिन सर बलूचिस्तान में जी हाँ ठीक है, अच्छा बिल्कुल बाप को शिकस्त हुई, जी वाई जी बिल्कुल बड़ी बात है, उस वो जो असमत खान तरीन जो वहाँ से हारे हैं मैं उसको ज़ाहिर तौर पर भी जानता हूँ, बड़ा मेहनती बड़ा हार्ड वर्कर बड़ा उसका था, लेकिन वो मतलब हार गया, वो हार जीत तो अच्छा। अब आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ वफाक में चुके
पीटीआई की हुकूमत है तो वहां वो जीती है। अब आपको मैं एक और एडवांस बताता जाऊं, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है मई जून में, तो वहां भी आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट कि वफाक 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 की अलामत जो होती है, वफाक जहां पे बैठा होता है उसके फिर चीजें होती हैं, सिलसिले होते हैं। अच्छा। तो वो उस तरह, हालांकि मैं पिछले दो महीनों में कश्मीर दो दफा जाने का इतफाक हुआ है, मुख्तलिफ टाइम्स में दो दफा मैं गया हूँ और मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। तो वहाँ अब मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ जो देखा, पीपल्स पार्टी की पोजीशन वहाँ बहुत बेहतर है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की पोजीशन वहाँ बहुत स्ट्रांग है, हल्का वाइज मैंने वो जो सुना देखा डिस्कस लोगों से हुआ, तो लेकिन अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि कौन जीतता है। तो ये है। दूसरी बात, मुझे क्लिक कर रही थी इम्तियाज भाई वाली बात, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इस पर मैं अक्सर कमेंट देता होता हूँ। इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब मिला, क्यों मिला जी? उसके घर में बिजली नहीं है। अच्छा। वो यही बयान था जी, बयानिया था कि जी वो तो पसमानदा तरीन इलाके से है, और ये क्राइटेरिया है आपका वज़ीर आला बनाने का भाई साहब, कि एक बंदा है जी वो पसमानदा तरीन इलाके लेकर रहने वाला है, गरीब आदमी है और एक आम आदमी है, और उसके पास जो है उसके घर में बिजली नहीं है, तो ये क्राइटेरिया उसको वज़ीर आला बने। अब उसके घर में जाके देखे ना, बिजली के साथ सारा साजो सामान भी आ चुका हुआ है ये ढाई तीन सालों में, और अगले भाई आपको कोई ऐसा बंदा जो क्यों है यही सवाल, हाँ, तो सवाल ऐसे क्यों है, मतलब ऐसे वो क्यों कर रहे हैं? आपको पूरे पंजाब में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो के मतलब मुल्क जो सूबा चलाने की जो अहलियत रखता हो, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि आप किसी मतलब अमीर आदमी को आप किसी को बना देते, अमीर होता लेकिन उसमें कुछ टैलेंट तो होता, वो कुछ करता से। अब मसूफ तो जो है वो तीन सालों में वो उनको उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मकसद क्या फिर? देखिए मतलब सूबे पंजाब को अगर सही तरीके से नहीं चलाया जाएगा तो नुकसान तो तरीके साफ ही का होगा ना, तो ये क्यों अपना नुकसान, बकौल आप लोगों के, वो अपना नुकसान क्यों करवाएंगे? मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ, देखिए बात ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है खासतौर 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो अख्तियार सूबों के पास चले गए हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। अब वहाँ पे ये जो आप देखें महंगाई है, कीमतों को कंट्रोल करना है, ये सारा काम करना तो सूबाई गवर्नमेंट्स ने। दुरुस्त। अच्छा, सूबाई गवर्नमेंट्स किस तरह करती हैं? वो इंतजामिया को साथ लेके जो जूनियर ब्यूरोक्रेसी ना वहाँ पर बैठी, SHO लेवल पे प्राइस कमेटियाँ हैं, फिर उसके बाद आप कह लें असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या मजिस्ट्रेट्स कह लें, जो भी वहाँ पे है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके थ्रू उन्होंने कीमतों को कंट्रोल करना होता है। अब ये जो बुज़दार साहब की जो मैं मुझे बुज़दार साहब से कोई जाती कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीफ आदमी अच्छे होंगे, बिल्कुल शरीफ होंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें उनकी शराफत के लिए हमने उनको नहीं बैठाया, अगर वो बैठाना तो हम रोहित लाल कमेटी का चेयरमैन बना देते ना उनको। अब क्वेश्चन ये है कि हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन सही चले। Exactly. वो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी से काम लें, ब्यूरोक्रेसी काम करे, और जो गरीब वाम पिस रहा है महंगाई के अंदर उनको रिलीफ मिले, चीनी उनको सस्ती मिले, आटा सस्ता मिले, सब्जियां सस्ती मिले, दालें सस्ती मिले, और इस तरह उनके जो सिस्टम उसको ठीक किया जाए। अब छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल लोगों के जो फैसिलिटेट करने वाले हैं उसकी तरफ ये तवज्जो दें। अब अगर वो नहीं चला पाएंगे और ऊपर पर चलता रहेगा और नीचे इंतजामिया अपनी मर्जी करती रही, आप देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लो पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पे। तो ये सारी वजह यही है कि उनकी इन डेप्थ उनका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। वक्त का मैं आखिर जवाब दीजिएगा, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब आपके ख्याल में? आया उनको पता नहीं मामलात का कि और मेरा ख्याल है कि ऐसे एक अपने उन्होंने जिद लगा ली, मेरा ख्याल जिद लगा ली, ठीक है। अना की बात आपने की थी स्टार्टिंग में, सियासत अना बिजनेस ये चीजें चलती, आप ये समझते हैं सर? नहीं, मैं नहीं समझता। आप क्या आपका मेरा ख्याल है उनकी पहली च्वाइस जो है साउथ पंजाब से वो जहांगीर तरीन थे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरी च्वाइस उनकी ईशा साहब थे, शाह महमूद, वो प्रोविंशियल इलेक्शन हार गए, ठीक है। तीसरी चॉइस उनकी अलीम खान थे, अलीम खान के केस हो गया, ठीक है। यास्मीन राशिद के ऊपर वो पॉइंट उठ गया कि ये इलेक्टेड नहीं है बल्कि ये वेमन सीट पे हैं। तो जब ये सारे लोग निकल गए और लाना वो साउथ पंजाब से इसलिए चाह रहे थे कि साउथ पंजाब को किसी तरीके से उठाना था, अलग सूबा भी बनाना था और उसको तरक्की के, तो मकसद पूरा हुआ आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान चाहते हैं। अच्छा। और इसीलिए वो इतना रेगुलरली लाहौर को विजिट करते, उनके साथ 1-to-1 बैठ के चीफ मिनिस्टर हाउस में उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, और मैं समझता हूं कि सूबा तरक्की कर रहा है और हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे आने वाले। मोहतरम जी, जब जब अपना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के
کے خلاف تحریکیں آئیں, لوگوں نے مطلب واویلا کیا, اس کے پیچھے پرائم منسٹر صاحب کھڑے رہے اور ان کا بیان, مطلب یہ میں نے بھی اپنی اس تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح وزیر اعظم بار 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 دیکھیں. انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر جاتے ہیں لاہور میں, ان سے سوال کرتے جواب کرتے. کانسٹیٹیوشن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں جو چیف منسٹر ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ذوالق شمسی صاحب, تھینک یو سو مچ سر. آپ تشریف لائے, رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.